नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। खेती की मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है, खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। आइए करते हैं कुछ खास जानकारी से शुरुआत। एक बार बोए गए गन्ने को काट लेने के बाद उसी से दूसरी फसल लेने को पेड़ी या मोढ़ी कहते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल से मुख्य फसल की तुलना में कम लागत में भी अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसमें बीज की बचत के साथ साथ कुटाव ज्यादा होने से प्रति एकड़ पैदावार ज्यादा मिलती है। जो किसान गन्ने की पेड़ी फसल ले रहे हैं उन खेतों में कीट और रोग का प्रकोप हो रहा हो तो वहाँ पत्तियाँ जला दें या उन्हें गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाएं। पहली कटाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। पत्थर आने पर ठूंठों की कटाई और खेत की गुड़ाई करने से फुटाव जल्दी और ज्यादा होता है। पेड़ी फसल में 5 से 6 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ डालने से उपज ज्यादा। बोरस प्रति एकड़ डालें। फसल में लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पहली गुड़ाई के समय फरवरी मार्च में प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें। पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार दें। दिन में 2 बार 8 से 10 घंटे के अंतराल पर चारा पानी देना चाहिए। इससे इनका डाइजेशन सही रहता है और बीच में इन्हें जुगाली करने का वक्त भी मिल जाता है। पशुओं के चारे में 1/3 भाग हरा चारा और 2/3 भाग सूखा चारा देना चाहिए। गायों को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ और भैंसों को 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन भार के हिसाब से देना चाहिए। दिसंबर में सरसों की फसल में जब फूल आने शुरू होते हैं तब माहू कीट का प्रकोप होता है जो मार्च तक बना रहता है। माहू कीट पौधे के विभिन्न भागों से रस चूस कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं जिन पर काला कवक लग जाता है। इससे पौधों की भोजन बनाने की ताकत कम हो जाती है जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीट ग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाती है जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती और अगर लगती हैं तो उनमें दाने पिचके और छोटे हो जाते हैं। जहां इस कीट के समूह दिखाई दें उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13-14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो कीटनाशकों का प्रयोग करें। इनमें मेटासिस्टॉक्स 25 cc 250 मिलीलीटर या डाइमेथोइड 30 cc की 350 मिलीलीटर दवा को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीटग्रस्त फसलों पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। एक बार लगाएं, कई सालों तक पाएं, 25 दिनों तक जो रहे ताजा। देसी दिल वाला विदेशी फूल एंथूरियम से कमाई फूल। कृषि दर्पण। भारत में फूलों की खेती लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एक व्यवसाय के रूप में फूलों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ। इन फूलों में गुलाब, गेंदा, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, कार्नेशन और जरबेरा की खेती काफी प्रचलित है। लेकिन इन फूलों के अलावा किसान अगर एंथूरियम जैसे फूलों की खेती करे तो आप अपने लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसका पौधा एक बार लगाने के बाद सालों तक फूल देता रहता है, वहीं दूसरी तरफ इसके फूल 20 से 25 दिन तक तरोताजा भी रहते हैं। साथ ही बाजार में इनके कट फ्लावर की मांग भी काफी है। इसके फूल बाजार में 25 से 50 रुपए तक बिक जाते हैं। ऐसे में अगर आप एंथूरियम फूल की खेती करने का विचार कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए खास है। ऑर्किड, कार्नेशन, लिली, ट्यूलिप और एंथूरियम अब केवल यूरोप के घरों में ही नहीं सजते बल्कि इंडिया में भी ये फूल फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। महानगरों में इन दिनों मिठाई के डिब्बों से बेहतर तोहफा इम्पोर्टेड फूल माने जाने लगे हैं। लेकिन आज जब उपभोक्ता सामानों का बड़ा बाजार ऑनलाइन हो चुका है, भला ऐसे में फूलों का मार्केट कहां थमने वाला था। जमाना ऑनलाइन गिफ्ट भेजने का है और गिफ्ट में फूलों से बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन यहां एक समस्या खड़ी थी। अच्छे से अच्छा फूल पौधे से तोड़ने के बाद 4 से 5 दिनों में मुरझा जाता है, जैसे गेंदा 1-2 दिनों में, डच रोज 3-4 दिनों में, तो ऐसे ही मॉडर्न फ्लावर ग्लेडियोलस भी महज 4-5 दिन तक ही सामान्य स्थितियों में टिक पाता है। तो ऐसे फूलों से आज के वक्त की डिमांड कैसे पूरी होती। इस जरूरत का जवाब विदेशी फूल एंथूरियम पूरी करता है,
पाँच छह दिन नहीं, आठ दस दिन नहीं, दस पंद्रह दिन भी नहीं जनाब। एंथूरियम ऐसा फूल है जो सामान्य परिस्थितियों में भी 20 से 25 दिनों तक अपनी छटा बिखेरता रहता है। इस महंगे और देर तक टिकने वाले फूल की खेती जाहिर है आपकी कमाई को पंख लगा देगी। इसकी खेती के बारे में जानने से पहले जानिए आज के समय में फूलों का बाजार हमारे देश में कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें विदेशी फूलों की कितनी बड़ी भूमिका है। देश में फूलों की वार्षिक घरेलू मांग 25% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय फूल बाजार लगभग 1,00,000 करोड़ रुपयों से ऊपर का है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। फूलों के इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अच्छा खासा दखल है। हमारे देश से विदेशों में लगभग 22,000 मीट्रिक टन फूलों का निर्यात होता है, जिससे लगभग 449 करोड़ की विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसमें आधे से ज्यादा मॉडर्न फूलों की हिस्सेदारी है। जब फूलों का बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो निश्चित ही आपका भविष्य फूलों की खेती में आसमानी ऊंचाइयों को छुएगा। इसमें सबसे आधुनिक और महंगे फूलों की खेती आपको ज्यादा आर्थिक मजबूती देगी। एंथूरियम ऐसे फूलों की सूची में नंबर 1 पर है। आइए जानते हैं एंथूरियम के बारे में। एंथूरियम फूलों की सुंदरता और इसके खूबसूरत पौधे के कारण कट फ्लावर के रूप में और गमलों में लगाने के लिए इसे बेहद उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रचुरता से उगाया जाता है। दिल के आकार वाले ये फूल लाल, गुलाबी, सफेद, नारंगी और क्रीम रंगों में खिलते हैं। लाल किस्म मिकी माउस, चामी, इंटी, टोटोरा, ओसाकी, कोजोहारा, कुमाना, टोयामो, रियो, प्रोंटी, मिर्जाम और इनग्रीड। नारंगी किस्म नीटा, सनब्रस्ट, डायमंड जुबली, हवाई, फ्ला ऑरेंज, एवोगिंगो, हार्निंग ऑरेंज और हार्निंग रूवीन। सफेद किस्मों में मेनुआ मिस्ट, कार्मेलोन, पर्ल, कोटोपिक्सी, एक्रोपोलिस, जमाइका, मरून मुनी, लीमा, जीसा और क्यूबी। गुलाबी किस्म में एप पीक, ब्लूस, मारीमान, कैंडी स्ट्रिप, एवो एंकी, होनीटी, सरप्राइज, विंटी सरीना, लुंटी, लेडी जानी और पैराडाइज पिंक जैसी किस्में शामिल हैं। एंथूरियम छाया पसंद करने वाला पौधा है। खुली जगहों में जहां छाया रहती हो पौधे की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। खुली जगहों पर 75% शेड नेट का व्यवहार कर इसे अच्छी तरह उगाया जा सकता है। मौसम में 80% आर्द्रता और 25 से 28 डिग्री तापमान रहने पर फूलों की उपज अच्छी मिलती है। एंथूरियम के विकास के लिए मिट्टी के मिश्रण का माध्यम उचित होना चाहिए, जिससे हवा का संचार अच्छा हो और जिसमें पानी संरक्षण ज्यादा हो। इसके मिश्रण में चारकोल, नारियल छिलका, पेड़ की छाल, चावल की कुन्नी, कोको पीट, बालू, ईंट, पत्ती की खाद, नीम खली के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण का पीएच मान 5.7 से 6.2 के बीच रखा जाता है। इसके पौधे बीज कटिंग और टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं, जिनमें टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे रोग मुक्त और जल्द फूल उत्पादन करने वाले होते हैं। इसलिए व्यावसायिक खेती के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे लगाना सही होता है। नए पौधों को गमले में या बेड में लगाया जाता है। 30 सेंटीमीटर के गमले में मिट्टी के मिश्रण को भरकर एक पौधा लगाया जाता है। व्यावसायिक खेती के लिए शेड नेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें रेज्ड बेड में 30x30 या 40x40 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को नमी वाले मौसम जैसे बरसात के बाद लगाना होता है। गर्मियों में पौधों की सुबह शाम हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जाड़े में दिन में एक बार आवश्यकता अनुसार पानी देना चाहिए। ज्यादा सिंचाई से पौधे को नुकसान पहुंचता है और बीमारियां होने की आशंका रहती है। खाद उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना पौधों के लिए लाभदायक होता है। एंथूरियम को वृद्धि और फूल उत्पादन के लिए खाद उर्वरक की संतुलित मात्रा की जरूरत होती है। 200 से 250 किलो नाइट्रोजन, 200 से 150 किलो फास्फोरस और 250 से 300 किलो पोटाश प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों को 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाना चाहिए। इससे फूल अच्छे खिलते हैं
और पौधों का विकास अच्छा होता है। अगर सिंचाई के साथ उर्वरक देना हो तो 8 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस और 24 किलो पोटाश के मिश्रण से 200 ग्राम पोटेशियम सल्फेट 20 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 40 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर उसमें 500 लीटर पानी मिलाकर दिन में दो बार सिंचाई करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधे को देना चाहिए। एंथूरियम से प्रति पौधा प्रति वर्ष 5 से 7 फूल प्राप्त होते हैं। ये उपज किस्मों पर भी निर्भर करती है। जब फूल के स्पाइडेक्स पूर्ण खिल जाए तभी फूलों को डंडी के साथ पौधे से काट कर पानी से भरी बाल्टी में रखना चाहिए। प्रति वर्ग मीटर 9 पौधे लगते हैं, जिसमें प्रति पौध हर साल 5 से 7 फूल खिलते हैं। ऐसे में एक एकड़ में लगभग 36,000 पौधे लगेंगे और इनमें साल भर में औसत 2,16,000 फूल मिलेंगे। अगर इनकी बिक्री कम से कम 25 रुपए प्रति फूल भी हुए तो इनसे 54 लाख तक की कुल आय होगी, जिसमें 60 से 75% तक अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटा दें, यानी एक एकड़ पर 35 से 40 लाख का खर्च घटा दें, तो 15 से 20 लाख का शुद्ध मुनाफा मिलेगा। इस तरह आप आधुनिक फूल एंथूरियम की मॉडर्न खेती से भरपूर कमाई कर सकेंगे और एक आधुनिक किसान बनकर देश और समाज की सेवा करने का भी सुख मिलेगा। कृषि दर्पण, जी मीडिया। कृषि दर्पण में हम आपको उपज बढ़ाने की नई किस्मों की खेती और नए प्रयोगों की जानकारी देते हैं, साथ ही रोगों मुसीबतों से बचाव के तरीके भी आपको बताते हैं। लेकिन आज इस क्रम में जानिए एक ऐसी घास के बारे में जिससे बचने की जरूरत है, जो भारतीय खेती के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। अभी ये पार्थेनियम घास दुनिया के 7 सबसे ज्यादा हानिकारक पौधों में से एक है। इसे इंसान और पालतू जानवरों के साथ ही पूरे विश्व के लिए बेहद हानिकारक माना जा रहा है। अपने खेतों को इस आफत से कैसे बचाएं, गाजर घास से कैसे निपटें, देखिए ये रिपोर्ट। एक घास जो इतनी तेजी से फैलती है कि आप इसे आक्रामक फैलाव कह सकते हैं, ये विनाशकारी है। जिस जगह उगती है तेजी से पांव पसारती जाती है। देखते देखते कुछ ही दिनों में ये आसपास अपने घूर पंजे फैला लेती है। दरअसल ये हर तरह के वातावरण में तेजी से उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बन जाती है। इस विनाशकारी खरपतवार को समय रहते नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। अब इतनी फैलने वाली चीज को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। ये आपको सड़क किनारे और खेतों में अक्सर उगे हुए दिख जाएंगे। ये पार्थेनियम घास सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। ये घास गाजर के पौधे की तरह दिखती है, इसलिए इसे गाजर घास भी कहा जाता है। इसके ज्यादा संपर्क में रहने से बीमारियों का खतरा बना रहता है। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम स्टोफोरस और ये पूरे साल चलती रहती है सीजन। तो ये गाजर घास जो एक पेड़ है जो दिख रहा है आपको पीछे, कितना जो नुकसान पहुंचा है, एक पेड़ की जो हाइट है करीबन 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है और ये गाजर घास सफेद रंग के फूल आते हैं और इसके कई नामों से इसको जाना जाता है। इस गाजर घास सफेद टोपी है, छटक जाननी है, इस कई नाम है इससे जानते हैं। और ये पहले सबसे पहले जो है 1955 में जो आइडेंटिफाई हुआ था भारत में, उसके बाद में ये पहले हाईवे रेलवे स्टेशन जहाँ पे लवणी जमीन थी ऐसी जगह पे उगती थी, लेकिन आजकल ये जो है कल्टीवेटेड जो फील्ड्स है जो खेती करते हैं इन खेतों में पहुंच गई है और काफी सारा जो है नुकसान करती है फसलों को नुकसान करती हुई, प्रोडक्शन में भी कमी करती है और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी खराब करती है वो, और ये पशुपालन के हिसाब से पशु भी खाते हैं तो पशु बीमार हो जाता है, कई प्रकार के नुकसान होते हैं। गाजर घास की कई प्रजातियां पाई गई है, लगभग 20 प्रजातियों की अब तक पहचान हो चुकी है जो विश्व के अलग अलग देशों में पाई गई है। अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, भारत, चीन, नेपाल, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के कई भागों में फैली ये खरपतवार अमेरिका या कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ भारत पहुंची थी। बहुत कम समय में ही लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसका भीषण प्रकोप हो गया। आज ये खरपतवार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के विभिन्न भागों में फैली हुई है। 1955 में इसकी पहचान हुई थी। हालांकि ये पहले लवणीय और खाली जमीन में या सड़क के किनारे और रेल पटरियों के आसपास उगती थी, लेकिन दिक्कत ये है कि धीरे धीरे इसे कल्टीवेटेड फील्ड यानी खेतों में पहुंचते देर नहीं लगी और अब ये फसलों के साथ साथ इंसानों और पशुओं को हानि पहुंचा रही है। इसका प्रकोप खाद्यान्न फसल जैसे धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मटर, मटर तिल, अरंडी, गन्ना, बाजरा, मूंगफली और सब्जियों के साथ साथ उद्यान फसलों में भी देखा गया है। गाजर घास इंसान और पशुओं के लिए एक गंभीर समस्या है। इससे खाद्यान्न फसल की पैदावार में लगभग 4% तक की कमी आंकी गई है। इस पौधे में पाए जाने वाले एक विषाक्त पदार्थ के कारण फसलों के अंकुरण और वृद्धि तक पर बुरा असर पड़ता है। इस घास की जड़ गहरी और मजबूत होती है और मिट्टी में इसकी पकड़ गहरी होती है। ये पूरी फसल को नष्ट कर देती है। आप इसे धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। इस खरपतवार के लगातार संपर्क में आने से डर्मेटाइज, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पशुओं को ये बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि इससे पशु बीमार हो जाते हैं और उनके दूध में बदबू आती है। ये खतरनाक है। यहाँ तक कि पशुओं के अधिक मात्रा में इसे चढ़ लेने से उनकी मौत तक हो जाती है। घास के कारण से अपने को मनुष्य को पशुओं को कई प्रकार की हानि होती है। इसके कारण से आदमी को बुखार आ जाता है, अस्थमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और हाथों में शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जब खेत में आए उसको जब निकाले, उसको खुले हाथ से नहीं, दस्ताने पहन के इसको उखाड़े और उखाड़ के इसको गड्ढा खोद के इसको दबा देवे या उसको जो है नष्ट कर देवे। तो इस हिसाब से इसका कंट्रोल करना चाहिए। ये कहीं भी खेत की बाउंड्री के आसपास हो, घर के आसपास हो या बगीचे में हो या किसी फसल में हो या सब्जी में हो, तो उसको देखते ही उगते ही उसको निकाल देना चाहिए। इसे धीरे धीरे अपन कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। बहुत सारे जो है केमिकल दवाई भी है, उससे भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप कई तरह की विधियों का प्रयोग कर सकती हैं। इनमें वैधानिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक विधियों का उपयोग शामिल है। जहां खेती ना हो वहां पर इसके नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायन एट्राजिन का प्रयोग करें। फूल आने से पहले 1.5 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह ग्लाइफोसेट 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर और मेट्रीब्यूजिन 2 किलो तत्व प्रति हेक्टेयर का प्रयोग फूल आने से पहले किया जाना चाहिए और खेती वाले क्षेत्रों के मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों में एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के तुरंत बाद यानी अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह आप गाजर घास यानी पार्थेनियम से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का है, एक और अहम रिपोर्ट के साथ जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कृषि दर्पण। नितेश देशमुख की उम्र के इस वर्ष में रिलीज सोलो स्टारर फिल्म निराश कर सकती है। विजय माल्या की उम्र के इस वर्ष में आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन कानूनी मोर्चे पर राहत मिल सकती है। कैप्टन अभिमन्यु उम्र के इस वर्ष में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। YS जगनमोहन रेड्डी को उम्र के इस वर्ष में कानूनी मामले में अनुकूलता रह सकती है। प्रफुल्ल कुमार महंत को इस आयु अंक यानी उम्र के इस वर्ष में सम्मानजनक पद मिल सकता है। सर, एक चीज आप मुझे बताएंगे कि अगर हम लोग ये मिली जुली रिपोर्ट कार्ड वाली बात मैं कर रही हूँ, अलग अलग सेक्टर्स में आप बहुत चीज बदल गई, आप थोड़ा बदल गई। क्यों? आप जिस तरह के सवाल, तीखे सवाल कर रही हो, क्योंकि आज दिन के अंदर कांग्रेस की किसी सभा को, किसी नेता को सुन के तो नहीं आई यार? नहीं जी, मैं केवल जनता की सुनती हूँ। चलो ठीक है। किसान खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन, बत्तख पालन जैसे व्यवसाय करते हैं, लेकिन बीमारी, मौसम की मार और बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से ये व्यवसाय लगातार प्रभावित होता रहता है।
जिसके कारण इससे आशा के अनुरूप मुनाफा नहीं हो पाता। साथ ही इनके पालन पर लागत भी ज्यादा आती है, इसलिए पक्षी पालन के और विकल्प आपके सामने होने चाहिए। चलिए आज हम मुर्गी पालन और बत्तख पालन की जगह दूसरे विकल्प जापानी बटेर के बारे में आपको बताएंगे, जो किसानों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। बिहार के पूर्णिया जिले के किसान प्रवीण सिंह पिछले कई सालों से बटेर पालन पर इसमें मीट उत्पादन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे बटेर पालन के बारे में इस रिपोर्ट में। बटेर पक्षी का नाम सुनते ही मांस खाने वालों के मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक सी बात है। इसके मांस की बेहतरीन क्वालिटी के कारण लोग इस पर होने वाले खर्च की परवाह नहीं करते। यही वजह है कि बटेर पालन व्यवसाय देश के कई इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। भारत बटेर के मांस उत्पादन में पांचवें और अंडा उत्पादन में सातवें स्थान पर है। यहां हर साल तकरीबन 32 मिलियन जापानी बटेरों का व्यावसायिक रूप से पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन व्यवसाय में मुर्गी पालन बत्तख पालन के बाद इसका तीसरा स्थान है। यहां ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अपने देश में 70 के दशक में बटेर पक्षी के संरक्षण के लिए इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन सन 1974 में जो व्यवसायिक रूप से पाली जाने वाली बटेर की नस्ल जापानी बटेर अमेरिका से लाई गई, तो सरकार ने इससे प्रतिबंध हटा लिया। यही नहीं, भारत में जब पहली बार जापानी बटेर के अंडों को आयात किया गया, तब इनके अंडे का वजन 7 से 8 ग्राम और चूजों का शरीर भार 5 सप्ताह में मात्र 70 से 90 ग्राम ही था। बीते 38 सालों में बटेर पर बहुत से शोध कार्य किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज अपने देश में कई नस्लों का विकास किया गया, जिसका शरीर भार 5 सप्ताह में 130 से 250 ग्राम तक हो जाते हैं। आज के समय में अच्छी आमदनी के लिए मुर्गी पालन के जैसा ही एक अन्य व्यवसाय बेहद लोकप्रिय हो रहा है, और वो है बटेर पालन। वैसे रोजगार के लिए जो किसान पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर इस तरह के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो बटेर की विशेषताओं पर जरूर गौर करें। बटेर पालन सबसे पहले हम कैरी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में देखे थे। उसी समय हमको हुआ इसको किया जा सकता है। अभी 6-7 जिला अपना जो है वहाँ एक हम ही है जहाँ हैचरी बैठा करके बटेर पालन करते हैं। बटेर पालन जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मोटा मोटी 25 रुपया पर बटेर आपको खर्च पड़ेगा और मिनिमम इसका कॉस्ट 45 रुपया प्रति बटेर मिलेगा। 35 दिन में ही तैयार होता है। 1 किलो बटेर तैयार करने में 3 किलो आपको फीड लगेगा। बटेर पालन को अपनाने के लिए उनकी उन्नत नस्लों के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि नस्लों का सही चुनाव ना करना किसानों की जेब को ढीला कर सकता है। बटेर पालन मांस और अंडा दोनों के उत्पादन के लिए होता है। इनके सही उत्पादन के लिए जरूरी है कि इनकी उन्नत नस्लों का चुनाव किया जाए। वो उजला होता है जो लेयर के रूप में व्यवहार किया जाता है। फर्क ये है जो केरी श्वेता जो होगा उसका अंडा उजला होता है, तो लोग उसको खाने में व्यवहार करता है, और जो होता है बटेर का अंडा चितफटरा ऐसा रहता है, उसको खाने में लोग पसंद नहीं करता है। बटेर के लिए शेड की बात की जाए तो इसका शेड बिल्कुल मुर्गी के शेड जैसा ही होता है। इनका पालन कम स्थान पर किया जा सकता है, यानी एक मुर्गी रखने के स्थान में ही 10 बटेर का पालन किया जा सकता है। शुरुआत के समय में बटेर के चूजों का वजन 7 से 8 ग्राम ही होता है, और इन चूजों की शुरुआत से लेकर आखिरी तक ठीक तरह से देखरेख की जरूरत होती है, जिसमें कमरे के तापमान से लेकर आहार तक की व्यवस्था शामिल है। हम ये उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों, आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से जरूर ही बटेर पालन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में जाना होगा।
अगर बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अमल में लाया जाएगा तो बेशक ही आगे चलकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कृषि दर्पण जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी। कृषि दर्पण में दिलचस्प नई जानकारियों से भरी रिपोर्ट के साथ कल फिर सुबह 6:30 बजे होंगे हाजिर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।